नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एक बार फिर से आदित्य ठाकरे सक्रिय हो गए हैं और जिस तरीके से शिवसेना पार्टी में बड़ी बगावत होने के बाद से ही पिता के बाद पार्टी की विरासत को संभालने के लिए वो लगातार तत्पर जो है तैनात नजर आते हैं और वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने शिव संवाद यात्रा भी निकाली, हालांकि उस यात्रा को लेकर के कई जगह जो है कई अलग अलग तरीके की खबरें भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी माना जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे और आदित्य ठाकरे दोनों सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जो है उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच सियासी रसाकशी का जो खेल है वो चलता रहता है। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के बीच ठीक इसी तरीके का खेल जो देखने को मिल सकता है। तो अब इस पूरे मुद्दे में समझना ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में विरासत की जो एक राजनीति लगातार चल रही है और एकनाथ शिंदे के बाद श्रीकांत शिंदे संभालेंगे, वो सांसद भी हैं, और इस समय अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे भी काफ़ी मजबूती के साथ पार्टी को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में जनता का साथ उनको कितना मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस समय आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से एग्रेसिव जो है रुख में आ चुके हैं और वो एकनाथ शिंदे समेत श्रीकांत शिंदे जैसे बड़े नेताओं को लताड़ लगा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इन सब के पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है अपनी खोई हुई उस ताकत को पाने के लिए दोबारा जो है वो इस तरीके से जो है और ख़ास करके इन तमाम मुद्दों को लेकर के बयान देते नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को यहाँ पर ज़्यादा तरजीह दी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो एकनाथ शिंदे की तरफ से और उनके पूरे गुट की तरफ से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेसी और एनसीपी के साथ जाने के बाद मुद्दों से भटकने की बात जो तमाम कही जा रही है, दरअसल इसके जो है तमाम जो जनता के ऊपर जो एक असर पड़ा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा कामयाब होते हैं आदित्य ठाकरे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।